नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स में इंडिया 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में पाकिस्तान से हार गई थी, और इसी पैरेलल यूनिवर्स में हमारे एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बारे में बात करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ही इज द वन एंड ओनली रवि इंदुलकर। अगर मैं इनकी बैटिंग के बारे में बात करूं तो ही इज सचिन तेंदुलकर सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये बंदा एक T20 वर्ल्ड कप में एक हाफ सेंचुरी और 3 सेंचुरी स्कोर करता है, और इतना ही नहीं अपना रवि ऑलराउंडर है। तो इनकी अगर बॉलिंग के बारे में बात करूं, देन आई वुड से दैट शेन वॉर्न प्लस मुरलीधरन प्लस अनिल कुंबले रेस टू इन्फिनिटी इज स्टिल लेस देन रवि इंदुलकर। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। ये बंदे ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में एक ट्रिपल हैट्रिक लिया। जी हाँ, ट्रिपल हैट्रिक, 5 बॉल में 5 विकेट। अब 1964 में गैरी सॉबर्स हैड ऑलरेडी अचीव्ड दिस फीट ऑफ टेकिंग 5 विकेट्स इन 5 बॉल्स, बट दैट वाज एन अनऑफिशियल मैच अगेंस्ट मलेशिया। और अपना रवि भाई तो वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रिपल हैट्रिक लेता है, और फिर चेस करते वक्त वो सेंचुरी भी स्कोर करते हैं। आई मीन, इससे बड़ा लेजेंड कोई हो सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट। रवि इंदुलकर टीम इंडिया के कैप्टन थे, राइट हैंड बैट्समैन एंड राइट आर्म सुपर स्लो बॉलर। ये अपने बॉलिंग में जितने एफर्ट्स डालते थे या नहीं डालते थे, ये देखकर मुझे किसी की याद आ गई। कैन यू गेस दिस बॉलर? चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यस, इट इज दिस गाय। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोथ हैव वेरी सिमिलर बॉलिंग एक्शंस। चलिए 2007 T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। द फाइनल मैच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैच के एक दो दिन पहले हमारे कैप्टन और 4 इंडियन प्लेयर्स कुछ बुकीज से मिलते हैं, और बहुत आसानी से वर्ल्ड कप फाइनल मैच को फिक्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वॉचिंग अ सस्ता वर्जन ऑफ जॉनी जॉनी यस पप्पा। रवि रवि। यस बुकी। आर यू रिच? नो बुकी। वांट सम मनी? यस बुकी। लूज द फाइनल? हां भाई हां। सो द मैच डे अराइव्स। इस पैरेलल यूनिवर्स के सबा करीम और हमारी दुनिया के सबा करीम दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन रोशन महानामा के साथ क्या हुआ भाई, इतना अलग दिखते हैं। सो इंडिया विंस द टॉस एंड डिसाइड्स टू फील्ड फर्स्ट। पाकिस्तान के ओपनर बिन दास तीनों स्टंप्स दिखाकर गाड़ लेते हैं। बहुत ही यूनिक स्टेडियम था। कभी कभी लग रहा था कि अपने मुंबई के आजाद मैदान में ही फाइनल चल रहा है, जिसे देखने के लिए कुछ स्कूल के बच्चे अपना लेक्चर्स बंक करके आए हैं। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक फुल पैक्ड स्टेडियम लग रहा है। पाकिस्तान 20 ओवर में 160 रन स्कोर करता है। इनिंग्स के बाद हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मिस्टर ध्रुव शर्मा कहते हैं कि अगर इंडिया के प्लेयर्स ने थोड़ी भी कोशिश की तो 161 का टारगेट कोई मुश्किल स्कोर नहीं है। वाह, क्या एक्सपर्ट है। आई थिंक दिस इज मोर लाइक एन इंडियन वर्जन ऑफ पाकिस्तान ठीक से बॉलिंग कर। चेस करते वक्त इंडिया की धमाकेदार शुरुआत होती है, 3 ओवर में 50 रन बिना किसी नुकसान के, और फिर उसके बाद 8.1 ओवर्स 98 ऑल आउट। मतलब इन 5 ओवर में इंडिया लॉस्ट 10 विकेट्स, विच वुड मीन दैट इंडिया लॉस्ट अ विकेट फॉर एवरी थर्ड डिलीवरी। लेकिन मानना पड़ेगा, जब इंडिया का आखिरी विकेट गिरा तब भी अपना रन रेट 12 के ऊपर था। तो मैच के कुछ दिन बाद ये खबर बाहर आ जाती है कि फाइनल में फिक्सिंग हुआ था। जरा देखें कि ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग क्या कहता है। मनी इज एस बिगर देन क्रिकेट। द इंडियन कैप्टन एंड हिज 4 अदर टीममेट हैव सोल्ड अवर कंट्री प्रेस्टीज। दे हैव लॉस्ट बिग फाइनल मैच 2020 वर्ल्ड कप 2007 टू इट्स आर्क राइवल पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ मनी। दे डू नॉट इवन थिंक अबाउट इंडियन पीपल्स इमोशन। तो यहाँ पे सब फिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट दिस टैटूड न्यूज़ एंकर हैज अदर प्रायोरिटीज। रवि की एक फोटो शेयर करते हुए वो एग्जैक्टली ये कहती है, देखिए किस तरह से ये नाचने वाली के होठ चूम रहे हैं। तो ऐसी वाहियात न्यूज और आर्टिकल्स पढ़कर कैप्टन के पप्पा को दिल का दौरा पड़ जाता है। रवि इंदुलकर पर 4 साल का बैन लग जाता है। अब 4 साल के बाद कमबैक करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल कमबैक स्टोरीज के बारे में हमने अक्सर सुना है। और अगर आप भी इन चैंपियंस की कहानियों से प्रेरित होना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा। इसका टाइटल है बेस्ट कमबैक स्टोरीज इन स्पोर्ट्स, और ये ऑडियो बुक अवेलेबल है कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी, 3000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और समरीज, जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं अपने प्रीफर्ड रीजनल लैंग्वेज में। और मैं ये ऑडियो बुक्स प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कोई भी काम करते करते इसे सुन सकता हूँ। अब सुनने के लिए तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। मुझे क्रिकेट पर आधारित ऑडियो बुक्स को सुनने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली एक ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, इंडियन पैसा लीग। यार, हम दुनिया के सबसे बड़े T20 टूर्नामेंट को इतने सालों से एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी तो क्यूरियोसिटी होगी ना कि पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, बिजनेस मॉडल कैसे होगा, टीम्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। और इस दिलचस्प ऑडियो बुक को पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टैप कीजिए, कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, सिर्फ खास आप लोगों के लिए देयर इज एन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 250 यूजर्स। बस आपको एनुअल प्लान लेते वक्त एक कूपन कोड डालना है, विच इज CI50। तो एक साल का कॉस्ट जो नॉर्मली ₹399 का होता है, वो आपको ₹199 में मिल रहा है। मतलब एक दिन का कॉस्ट ₹1 से भी कम है।
I think it's an absolute steal. Now coming back to our superhero cricketer Ravi Indulkar, he serves his 4-year ban period. और ये 4 साल के बाद जब ban हट जाता है, रवि एक लोकल रेस्टोरेंट में जाकर पहले तो गिटार पहन के गाना गाता है, क्योंकि why not? रवि तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद रवि कोच सर के पास जाकर कहते हैं, सॉरी कोच मुझे माफ कर दो। कोच सर की बीवी को लगता है कि दिस इज सो क्यूट, इनको चांस मिलना चाहिए। डज दिस साउंड फेमिलियर टू यू? मुझे एक बार फिर से चांस दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और हमारे कोच साहब को लगा कि दिस इज वेरी क्यूट, इसको चांस मिलना चाहिए। एनीवेज जब बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? इनफैक्ट उस वक्त के टीम इंडिया के कैप्टन खुद बोर्ड प्रेसिडेंट से कहते हैं कि रवि भाई को टीम में जगह ही नहीं, सीधा उनको कैप्टन बना दो। और प्रेसिडेंट मान भी जाते हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ अचानक कि सब लोगों को ये मैच फिक्सर रवि पे इतना भरोसा है। ऑफ कोर्स ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि टीम इंडिया की फिजियोथेरेपिस्ट रवि की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो प्रैक्टिस सेशन के वक्त एक्स से करंट बन जाती है। और ये रवि को हमेशा ऑड मैन आउट बनने का बड़ा शौक है। जब पूरी टीम कैजुअल्स में है तब ही इज वेयरिंग टीम इंडिया जर्सी, और जब पूरी टीम जर्सी में है तब अपना रवि भाई कैजुअल्स में होते हैं। वर्ल्ड कप 2011 शुरू हो जाती है, दी ओनली T20 वर्ल्ड कप वेयर ऑल द मैचेस वेयर प्लेड ड्यूरिंग डे टाइम, और सभी मैचेस खेले जाते हैं एक ही वेन्यू पर, सागर स्टेडियम इन मुंबई। पहला मैच खेला जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया के ये सस्ते आर्नोल्ड विकेट्स भी लेते हैं और रन्स भी स्कोर करते हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर है 56-0, और उसके बाद इन 12.3 ओवर्स इट्स 84 ऑल आउट। ठीक है यार, मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट था। देखो 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में वी लॉस्ट 10 विकेट्स इन 31 बॉल्स, यहाँ पर वी लॉस्ट 10 विकेट्स इन 39 बॉल्स। ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से टारगेट चेस करता है, इनफैक्ट इंडिया को भी टारगेट डिफेंड करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इनके फील्डिंग स्टांस को देखिए। हाँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैच के बाद ओला उबर कौन बुक करेगा बता दो। इंडिया बहुत बुरी तरह से हार जाती है। न्यूज वाले रवि के फोटो पर ये एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट चिपका देते हैं। इतने गंदे फॉन्ट्स देखकर रवि के पप्पा को फिर से दिल का दौरा पड़ जाता है। अगला मैच होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, और हमारे एक्सपर्ट ध्रुव शर्मा कहते हैं, Whoever plays well is going to win. India wins this match and Ravi Indulkar also gets a hat-trick. देखो फाइनल में जो ट्रिपल हैट्रिक इनको मिलता है वो अलग है, इस मैच में इनको सिर्फ एक प्रॉपर हैट्रिक मिलता है, मतलब 3 बॉल में 3 विकेट, which was definitely below his potential. श्रीलंका के खिलाफ रवि स्कोर्स दी फास्टेस्ट सेंचुरी इन 34 बॉल्स। फिर अगला मैच जो होता है, आई थिंक वेस्ट इंडीज रियली डिजर्व टू लूज दैट मैच। इन तीनों फील्डर्स को देखिए, मतलब क्या बरमूडा ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। सो इंडिया क्वालिफाइज फॉर द सेमीफाइनल वेयर दे वंस अगेन प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो सेमीफाइनल में बैटिंग फर्स्ट इंडिया स्कोर 225 रन इन 20 ओवर्स, ऑब्वियसली थैंक्स टू अनदर सेंचुरी फ्रॉम रवि इंडुलकर। इतने चौके छक्के मारते कि ये अंपायर भी शायद गुस्से में सिग्नल कर रहे थे। द मैच कम्स डाउन टू द लास्ट ओवर, ऑब्वियसली इट इज बोल्ड बाय रवि इंडुलकर, क्योंकि और कोई है ही नहीं टीम में। बैटिंग में रवि, बॉलिंग में रवि, बाकी सब निकम में। अब ये कोई जीनियस स्ट्रेटेजी होगी कि स्पिनर के लिए विकेट कीपर इतने पीछे खड़ा है। व्हेन ऑस्ट्रेलिया नीड्स 11 रन्स फ्रॉम 4 बॉल्स, उनके ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लेस दिस झाड़ू पोछा शॉट विच गोज फॉर अ बाउंड्री। फिर एक और चौके के बाद ऑस्ट्रेलिया नीड्स 3 रन्स फ्रॉम 2 बॉल्स, और फिर उनके ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक मस्त फुसका सा शॉट मारकर सिंगल लेते हैं। उनको लगा कि चलो नए बैट्समैन को चांस देते हैं, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। अब लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए तो बैट्समैन को भागना तो पड़ेगा ही, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि द बैट्समैन हेजिटेट्स फॉर अ मोमेंट। सैलरी बढ़ाओ फिर भागूंगा। बिकॉज ऑफ दिस हेजिटेंसी वो रन आउट हो जाती है एंड इंडिया विंस द मैच। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला तो वी नीड टू शो एटलीस्ट 1 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एज अ बैड गाय, राइट? दैट इज मैंडेटरी। और इसलिए रन आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कॉल्स वन ऑफ अवर प्लेयर्स एज ब्लडी इंडियन। तो इंडिया रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड जस्ट लाइक इन 2007 वंस अगेन द फाइनल इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैच के दिन कोच अपने प्लेयर्स को कहते हैं, ये मैच नहीं लड़ाई है। और कैप्टन रवि भी कहते हैं कि हमारी टीम का हर एक प्लेयर जान की बाजी लगाकर खेलेगा। बात तो ऐसे कर रहे जैसे बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हुई है। तो पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और मिस्टर रवि मस्त में अपना ब्लूटूथ ईयरपीस पहन के फील्ड पर आ जाते हैं। मुझे लगा कि मैच के बीच शायद इनका कमेंटेटर के साथ इंटरेक्शन होगा, लेकिन ना कमेंटेटर इनसे कनेक्ट करते हैं, ना नमिता इनसे कनेक्ट कर पाती है। इनसे कनेक्ट करते हैं शेट्टी भाई, जो लोकल किडनैपर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर रवि को ये बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया गया है। शेट्टी रवि से ये कहता है कि इंडिया हैज टू लेट पाकिस्तान स्कोर मोर देन 300 रन इन 20 ओवर्स। अब शेट्टी भाई को फिक्सिंग कराना है तो वो रवि को धमकी दे रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भाई तू पाकिस्तान पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहा है? इस कॉल के पहले पाकिस्तान स्कोर इज 76-2 इन 8 ओवर्स, मतलब ये कि टू रीच 300 पाकिस्तान हैज टू स्कोर 224 रन इन 12 ओवर्स। तो शेट्टी भाई इज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू स्कोर 19 रन पर ओवर। भाई मतलब तू किसके साइड से खेल रहा है? क्या फिक्सिंग करेगा रे तू शेट्टी भाई? अब आगे क्या होता है? वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। रवि फील्ड छोड़कर चले जाते हैं, वो डेप्यूटी सीएम को कॉल करते हैं, डेप्यूटी सीएम क्राइम ब्रांच को कॉल करते हैं, क्राइम ब्रांच की टीम किडनैपर्स को ट्रेस करते हैं, उनको मार देते हैं और इस तरह रवि के गर्लफ्रेंड को बचा लेते हैं। ऑल दिस हैपेंस इन लेस देन 5 मिनट्स।
सीरियसली कैसा डॉन है ये? एक तो फिक्सिंग करने नहीं आता इसे, प्लस ऐसे किडनैपिंग के जॉब के लिए भी लगता है किसी इंटर्न को हायर कर लिया। वहाँ मैच में पाकिस्तान का स्कोर है 17 ओवर्स में 216 फॉर 5 एंड इन द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट पाकिस्तान इज 216 ऑल आउट। यस, दिस इज दैट मूवमेंट वेयर आवर कैप्टन रवि इंदुलकर टेक्स अ ट्रिपल हैट्रिक, 5 विकेट्स इन 5 बॉल्स। इंडिया नीड्स 217 टू विन। द चेस स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल। रवि इंदुलकर का ये शॉट हम काफी बार देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही शॉट को बार बार दिखाए जा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर ऐसा चीटिंग नहीं करेंगे। वंस अगेन द मैच गोज डाउन द वायर। वंस अगेन ऑब्वियसली रवि हैज स्कोर्ड ये 10 अदर सेंचुरी। इंडिया हैज लॉस्ट 9 विकेट्स। आखिरी ओवर में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 22 रन्स। निखिल चोपड़ा ऑन एयर सेज इट्स अ वेरी गेटेबल स्कोर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे भाई? ओ आई थिंक इन्होंने पाकिस्तान की फील्ड सेटिंग देखी, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक पर रवि है और पाकिस्तान को अभी भी बाउंड्रीज नहीं बचाना है। यहाँ पर दो स्लिप फील्डर्स हैं, 8 फील्डर्स आर इनसाइड द सर्कल, विच मींस देयर इज जस्ट 1 फील्डर नियर द बाउंड्री। पाकिस्तान फील्डर ड्रॉप्स अ कैच, चलो एटलीस्ट समथिंग क्लोज टू रियलिटी। भारत को चाहिए 3 बॉल में 18 रन। सबा करीम इज स्टिल कॉन्फिडेंट एंड ही सेज भारत के लिए सब कुछ सही हो रहा है। एंड जस्ट एज एवरीवन एक्सपेक्टेड, रवि 3 बॉल में 3 छक्के मारता है, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। हाँ, यही जो बजट वाले टेबल पे रखा है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद रवि का क्या हुआ? लेजेंड से दैट ही स्टिल प्लेइंग हिज फेवरेट शॉट ऑन अ लूप इन अ पैरेलल यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर टैप कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड CI50 टू गेट एन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स। टेक केयर।